सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज हम सिक्स चैप्टर का। और क्वेश्चन हमारे पास है और ये एग्जाम में पहले आ चुका है और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ए बी सी जो राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है? सी पे। तो ये तो पॉइंट है, राइट एंगल है। लेट बी सी इक्वल टू ए, बी सी को ए, इसलिए मैं डायग्राम बना लिया पहले से। आपको एग्जाम में बना हुआ नहीं आएगा, खुद से बनाना होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग बना लेना। मैंने इसलिए बना लिया ताकि थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। बी सी ए, सी ए कितना? बी। ए सी कितना? सी, स्मॉल सी है। एंड पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी। अच्छा, इसने बोला हुआ है सी से ना एक परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ क्या है? पी, और जो किस पे है? ए बी पे। तो ए बी पे आप एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लोगे। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया जो 90 डिग्री बनाएगा। ये नहीं पता है कि इसे दो पार्ट में बांटेगा नहीं बांटेगा, इक्वल पार्ट्स में। वो तब होता है जब मीडियन होता है, मीडियन भी हो अपने आप में और परपेंडिकुलर भी हो। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये कहीं पे भी काट सकता है, 90 डिग्री होगा बस, राइट एंगल होगा। वो आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट सी पी इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास क्या है? ये जो लेंथ है, ये सी डी की जो लेंथ है वो क्या है? पी। हमें प्रूव करना सी पी इक्वल टू ए बी, सी पी इक्वल टू ए बी। या फिर हो सकता है एग्जाम में ये फर्स्ट पार्ट ना दिया जाए, सीधा का सीधा सेकंड पार्ट पूछ लिया जाए। सेकंड पार्ट करने के लिए भी आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही सेकंड पार्ट हो सकता है। तो आइए कैसे करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखेंगे और सॉल्यूशन क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम जो ये हमने बनाया है ना, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं। लेट सी डी परपेंडिकुलर, किस पर ड्रॉ किया आपने? ए बी पे। तो सी डी परपेंडिकुलर किस पे बनाया आपने? ए बी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देन सी पी जो है हमारा, सी डी जो है, सी डी ये वाला जो पार्ट है, तो सी डी कितना हो गया? सी डी पी हो गया। उसके बाद क्या, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो क्या होगा? आप आगे एरिया ऑफ लिख लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब एक बार जब हम राइट एंगल यहाँ बन रहा है तो बेस इसके ले सकते हैं, बेस ये और हाइट ये। और एक बार ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं कि बेस ये पूरा और हाइट ये, लेकिन एक ही ट्राइंगल में दो बार दो अलग अलग तरीके से हम बेस और हाइट लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया तो सेम ही आएगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बार ऐसे इस तरीके से, 1/2 बेस क्या लिया हमने? बी सी इंटू हाइट क्या लिया? ए सी। बेस बी सी, हाइट ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे है। इक्वल टू में इसका एरिया, अगर इधर से एरिया कैलकुलेट करें, ये बेस ले ए बी और हाइट क्या? सी डी। तो अभी एरिया तो इक्वल ही होगा क्योंकि एक ही ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जिसकी वैल्यू जो भी है रख लीजिए। बी सी की वैल्यू क्या है? ए। ए सी की वैल्यू बी। ए बी की वैल्यू ए बी क्या है? सी। और सी डी की वैल्यू पी। तो ए बी इक्वल टू सी पी, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट तो आ गया। एग्जाम में हो सकता है फर्स्ट पार्ट ना पूछा जाए, सीधा सेकंड पार्ट पूछा जाए। तो सेकंड पार्ट करने के लिए भी आपको इतना करना पड़ेगा। तो देखो ये तो कितने आसानी से आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट करने के लिए क्या, देखो जो ये ट्राइंगल ए बी सी है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल कहाँ पे है? सी पे है। तो हम इसे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि अगर इसको एंगल हम लेते हैं, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच किसे हम ले रहे हैं? ए बी को, क्योंकि राइट एंगल कहाँ पर हमने लिया है? राइट एंगल सी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं हम। वो भी आप स्टेटमेंट लिख सकते थे, नहीं तो आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो। अब देखो आगे कैसे करेंगे। तो ये तो ए बी का स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बी का स्क्वायर और बेस ए का स्क्वायर। अब इसे आगे पीछे भी लिख लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अब देखो ए बी की वैल्यू, ए बी स्क्वायर जो है, ए बी की जगह मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। ए बी अपन पी लिखूंगा मैं और उसका स्क्वायर करूँगा, ए बी अपन पी और फिर स्क्वायर। अब मैंने ए बी अपन पी कहाँ से लिया, ये देखो, ये ध्यान से समझना आपको है। ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब है, ए बी हमारे पास क्या है? सी, स्मॉल सी। तो मैं यहाँ पर सी लिख सकता था, आप चाहते तो एक स्टेप वो दिखा सकता हूँ, आप एक काम करना एग्जाम में दिखा देना, ओके। ये जो परपेंडिकुलर मैंने ये ले लिया सीधा, मैं एक काम करो आप इसको नाम पहले लिख लो, प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी का स्क्वायर तो ये हो गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या? ए सी का स्क्वायर, ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगले स्टेप में उसे लिख देंगे। और ये क्या? बी सी का स्क्वायर।
ओके। इसके बाद एक स्टेप और लिख देना जो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, जो स्किप कर दिया था। आप क्या लिखोगे, ए बी की जगह क्या लिखोगे, सी स्क्वायर, ए सी की जगह क्या लिखोगे, बी स्क्वायर, और बी सी की जगह क्या लिखोगे, ए स्क्वायर। ओके, इसके बाद ये स्टेप लाना है। जब सी स्क्वायर जो है, सी यहाँ से अगर मैं इसे चेंज करूँ, सी को यहाँ रखूँ, पी अपॉन में आ जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन पी हो जाएगी। ये सी को हम यहाँ छोड़ देते हैं, पी अगर अपॉन में ले आएंगे तो ए बी अपॉन पी हो जाएगा। तो उसी मैंने सी की जगह क्या लिख दिया, ए बी अपॉन पी, और उसका स्क्वायर कर दिया है। एक फर्स्ट में बी, तो बी हमें पता नहीं, बी का स्क्वायर वैसे रख लीजिए, ए स्क्वायर भी नहीं पता, ए स्क्वायर को वैसे छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या करना है, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है, छोटा सा हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू में ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी लिख लो आप। ओके, इसके बाद देखो कैसे करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा इसे रिप्लेस करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे हम वन लगा लेते हैं, या तो आप क्रॉस इनटू कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसे देखो, अगर आप इस वैल्यू को, इस टोटल को आप यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ क्या बचेगा, वन, यहाँ पे तो वन बचेगा ना, मतलब आप बिना क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, मैं नीचे लिख देता हूँ, एक काम करो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो वन बाई पी स्क्वायर, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगी नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई से जब यहाँ पे आएगी तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही तो क्रॉस इनटू करके तब एडजस्ट करोगे तो ये अपने आप ऐसे आ जाएगा, क्रॉस इनटू करके भी कर सकते हो आप। इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ, वन बाय पी स्क्वायर और इक्वल्स टू में ये पी स्क्वायर है, स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, छोटा सा थोड़ा लिख दिया मैंने इसको। आप देखो ये क्या है कि दोनों के बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टोटल के अकाउंट में है ये, तो टोटल के अकाउंट में तो आप अलग अलग लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और ये प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया एक बार में, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया एक बार में, तो आ क्या आ गया, वन बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर, ये लो बस हो गया था प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, इतना सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं हैं, अगर आप सही से समझ के करोगे तो आसानी से हो जाएंगे, होपफुली समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार जस्ट दोबारा समझा देता हूँ आपको। देखो जब हमने एक परपेंडिकुलर ये लिया और एक बार परपेंडिकुलर, तो इसके अकॉर्डिंग बेस बेस इनटू हाइट, एरिया लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, फिर बेस ये और हाइट ये, तो यहाँ पे एरिया दोनों का इक्वली होगा क्योंकि एक ही ट्रायंगल में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सॉल्व होकर आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर जो वैल्यू पुट किए अपने, मैंने जो पुट किए ए बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको आप साइड में ना इधर लिख सकते थे आप कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो ये आप इसको ना थोड़ा सा एडजस्ट करके आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो कि ये सी को हमने ऐसे रखा है, तो ए बी अपॉन पी जिसका यूज हमने यहाँ पे किया है, इस आप इक्वेशन लिख देना या साइड में ब्रैकेट में बिकॉज का सिंबल डाल के लिख देना कि ए बी अपॉन पी जो था वो सी के बराबर था, तो इसलिए हमने इसे रिप्लेस कर दिया। तो आप ऐसे लिख देना, उसके बाद क्या करना, बस पाइथागोरस में वैल्यू रखनी है, एलसीएम देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। बहुत जल्दी अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, चलिए मिलते तब तक। हाँ बस आप एक काम किया करो, वीडियो देखने के बाद दूसरों तक पहुँचाया करो, दूसरों लाइक किया करो, शेयर करना मत भूला करो, इतना काम कर लिया करो, बाकी वीडियो का काम मेरा है, वो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा।